हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स प्राइड कोचिंग सेंटर। आज आप स्टूडेंट्स क्लास फिफ्थ द चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 द क्वेश्चन नंबर 7 करांगे। ये पीएसईबी टेक्स्ट बुक ने जिस क्लास फिफ्थ द चैप्टर 3 मैं तुहानू करवा रहा ने, तो ये पीएसईबी टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर 3 द एक्सरसाइज 3.1 द क्वेश्चन नंबर 7 ने, तो उस 7 च सानू उन्होंने की पूछा ने, राइट ट्रू और फॉल्स, ये जो सानू दिते हुए ने नीचे ए तो जे तक, ये आप ट्रू फॉल्स जड़े ने दसने ने। तो चलो स्टूडेंट्स इनू स्टार्ट करते हैं किवें करना ने। सानू फस्ट ए उन्होंने कहा ने 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24। आप जो पिछले सवाल किए हुए ने जो सम किए ने मैं तुहानू दस्या सी का जिहड़े फैक्टर हो आपां किसी चीज़ दे पता करीदा, एक तो वन और एक सैल्फ इट सैल्फ जो फैक्टर हुंदा ने वो खुद ही अपने आप का एक फैक्टर हुंदा, तो एक वन ये हमेशा ही हर एक दे फैक्टर हुंदे ने। तो 24 इज ए फैक्टर ऑफ 24 इहदा मतलब ए की साडे को होएगा, ए की होएगा ट्रू। तो आप इस की करांगे ट्रू लिखांगे, तो इस चाहे टी ना ट्रू तो शो करते से, तो चाहे इस पूरा भी लिख सकते जो यार जू ही ट्रू इस तरीके दे नाल भी लिख सकते जो। तो नैक्सट साडे को क्वेश्चन ने बी, उस सानू की उन्होंने क्या ने, टू इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। टू हर एक नंबर का फैक्टर होंदा नहीं, कभी नहीं हो सकता, टू जिहड़ा वो हर एक नंबर का फैक्टर नहीं है। तो फिर इनू आपां की करांगे, ये की होएगा साडे को फॉल्स, तो फॉल्स नूं एफ दे नाल तुसीं लिख सकते जो, तो जां इस नूं इस तरीके दे नाल फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डब्बे जो दिते ने उत्थे उत्थे एफ भी पा सकते हैं। तो चलिए नैक्सट सी, तो सी च सानू उन्होंने की कहा ने, 24 इज एन ईवन नंबर। तो स्टूडेंट आप पिछले समस्त विच ऑड और ईवन नंबर के बारे जानकारी ली सी, जो टू दे नाल डिवाइड हो जाता ने वो साडे को ईवन नंबर हुंदा ने, और 24 जिहड़ा ने वो टू दे नाल डिवाइड हो जाता, 12 टू जे 24, तो 24 जिहड़ा ने वो ईवन नंबर, तो इसका की आंसर आएगा ट्रू, आप की लिखांगे। तो नैक्सट साडे को हैगा 136 इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर की हुंदा ने, जो टू दे नाल डिवाइड नहीं हुंदा, जां उसकी मैं तुहानू एग्जाम्पल दित्तियां सी पिछले समय कि ऑड नंबर आपां किवें पता करीदा, क्योंकि ये 136 ऑड नंबर नहीं है, तो यह की हो जाएगा से साडे को फॉल्स, इस नूं आपां फॉल्स लिखांगे। हाँ, तो नैक्सट हैगा ई, देयर आर इनफिनिटी मल्टीपल्स ऑफ नंबर। देयर आर इनफिनिटी मल्टीपल्स ऑफ नंबर, तो जे सारे इनफिनिटी नंबर होंगे ने वो मल्टीपल्स के होंगे, तो ये साढ़े को आ जाएगा ई जरा की होगा ये ट्रू होएगा। तो एफ की ने 36 ए मल्टीपल ऑफ 5 है 7, और ये जो 5 और 7 आ ये 36 के मल्टीपल है गे ने, नो, क्योंकि जो आप इस मल्टीपल पता करांगे तो उस ना तो 5 के टेबल से 36 आता और ना ही 7 के टेबल से 36 आता, तो फिर ये 36 के मल्टीपल नहीं होंगे, तो देयर फोर एफ जो साढ़े को आऊगा फॉल्स। हाँ जी, तो जी सम ऑफ टू ईवन नंबरस इज एन ऑड नंबर, की कहिंदे ने सम ऑफ टू ईवन नंबर, जिहड़े दो ईवन नंबर होण उन्हां नूं आपां प्लस करिए तां ओह ऑड नंबर बनदा, की बनदा कि नहीं ये आपां रफ च करके इत्थे देख लैने आ। कोई भी आपां ईवन नंबर ले लो, एक टू ले लो, एक फोर ले लो, इन्हां नूं जदों प्लस करांगे तां साडे कोल की बन गया सिक्स, और सिक्स जिहड़ा ने ये की ने ऑड ते ईवन, ये ईवन आ, पर उन्हां ने सानूं की कहा ने कि वह ऑड नंबर हुंदा, ठीक है। इहदा मतलब ये जो जी है ये की आ फॉल्स, नहीं हो सकता। उस तो बाद नैक्स एच, समालैसट ईवन नंबर इज जीरो, छोटे तो छोटा जो ईवन नंबर है वो जीरो,
ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਐਚ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੋ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਟੂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਐਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਲਸ ਨੈਕਸਟ ਆਈ 152 ਇਜ ਏ ਔਡ ਨੰਬਰ 152 ਤਾਂ ਇਹ 152 ਟੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲਸ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਦੇਅਰ ਆਰ 5 ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰ 5 ਸਿੰਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨੇ 5 ਜਿਵੇਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੰਗਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 5 ਇਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨੇ ਨੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫੋਲਸ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3.1 ਦਾ 7 ਸਮਝੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੋਰ ਸਮ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ